देश के सबसे मशहूर मंदिर तिरुपति बालाजी में बनने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी के मामले में विवाद गहरा गया है। मंदिर में बनने वाला लड्डू प्रसादम भगवान को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है और फिर लोगों में प्रसाद की तरह बांटा जाता है। मौजूदा आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि पिछली सरकार के समय यहाँ के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। अब इस खबर के सामने आते ही देश भर में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। यूपी में भी संत समाज इस मामले पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और यूपी के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है। फूड एडल्ट्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं ये फूड एडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहां पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए।